को पढ़ नहीं पाया, लेकिन मुझे आर वर्सेस डडली का केस आज क्लास में एक्सप्लेन करना है। निकी प्लीज़ मुझे उस केस के बारे में थोड़ा कुछ बताओ। तो तुम हमेशा इस तरीके का बर्डन मेरे ऊपर डालते हो, कभी भी पढ़ाई नहीं करते हो। प्लीज़ निकी, आज लास्ट बार, आगे से मैं अपनी पढ़ाई सीरियसली करूँगा और मेहनत करूँगा, मैं हमेशा पढ़ाई करूँगा। ठीक है, लास्ट बार, लेकिन इससे आगे मैं नहीं बताऊंगी, अपनी पढ़ाई खुद करना। ठीक है निकी। तो आर वर्सेस डडले का केस जो है, 1884 का केस है, इस केस में चार मेंबर होते हैं, चार पर्सन्स होते हैं जो कि एक जहाज पर इंग्लैंड से सिडनी की ओर जा रहे होते हैं। वो चार क्रू मेंबर हैं, टॉम डडले, कैप्टन स्टीफन, क्रू और रिचर्ड पार्कर। रिचर्ड पार्कर था वो इनमें सबसे छोटी एज का था, जो कि कैबिन बॉय था। अब वो चले थे 19 मई 1884 को, 5 जुलाई 1884 की बात है, उनका जहाज द केप ऑफ गुड होम नामक जगह पर पानी में नष्ट हो जाता है। बहुत बड़ा तूफान आता है, बारिश आ जाती है और इतना नुकसान होता है कि उनका जहाज बचा ही नहीं। बड़ी मुश्किल से वो जान बचाकर बाहर निकले और लाइफ बोट पर चढ़ गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान को बचाया। अब कैप्टन स्टीफन जो थे, उन्होंने एक सलगम के डब्बे को बचाया, उसमें से कुछ दिनों तक उसको खाकर उन्होंने अपनी भूख मिटाई। एक दिन उन्होंने कछुआ भी खाया। अगले 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए अब वो बेहोशी की हालत में आने लगे और उनको मरने की नौबत आ गई। रिचर्ड पार्कर, जो कि सबसे ज़्यादा बीमार था उसमें और बेहोशी की हालत में था, उसको मारकर खाने का प्लान बनाया स्टीफन और डडले ने। ब्रुक ने हालांकि उनका साथ नहीं दिया इस बात में, लेकिन स्टीफन और डडले ने प्लान किया कि अगर इसको नहीं खाएंगे तो हम तो मर जाएंगे। तो इस तरीके से डडले ने उसको चाकू से मारा और प्रे किया गॉड से कि हमें माफ़ करना। ऐसा करके वो उसको खा गए और कुछ दिनों तक उन्होंने काम चलाया। अब एक जर्मन शिप आता है और उनको बचा लिया, उनको अरेस्ट करके कोर्ट में ले जाया गया, पेश किया गया। तो उन्होंने डिफेंस दिया कि अगर हम उसको मारकर नहीं खाते तो हमारी भी मौत हो जाती और वैसे भी वो मरना ही था। तो यहाँ पर उन्होंने नेसेसिटी का डिफेंस लिया। एक बात उन्होंने और ऐड करी और कही कि ये कस्टम ऑफ सीप है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो कन्नीबलिज्म को अलाउ किया गया है, कन्नीबलिज्म को किया जा सकता है, मतलब कि नरभक्षण यानी कि मांस खाया जा सकता है आदमी को मारकर खाया जा सकता है। तो कोर्ट ने कहा कि आपकी लाइफ का सवाल था तो उस बच्चे की भी लाइफ का तो सवाल था, आप अपने मतलब के लिए किसी की जान कैसे ले सकते हो। तो जिंदा रहने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी का सवाल महत्वपूर्ण लगा तो उस बच्चे की ज़िंदगी का भी तो सवाल था, इसलिए आप नेसेसिटी बता रहे हो, ये बहुत गलत है। तो उनके इस डिफेंस को रोंग ठहराया गया और उनको दोषी करार किया गया। अच्छा निकी, तुमने इतना बता दिया, इसको डिटेल में और भी अच्छे तरीके से मैं खुद पढ़ लूँगा। अब तुम इसका सेक्शन आईपीसी का खुद याद कर लेना कि कौन से सेक्शन में ये केस है। इससे आगे मैं ज़्यादा तुमको नहीं बताऊंगी, इतना बहुत था। अब मुझे क्लास में लेट हो रहा है, मैं क्लास में जा रही हूँ। थैंक यू निकी।